नमस्कार, मैं हूं प्रशस्त तिवारी, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। वही नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों की ओर। तो लखनऊ से बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य से ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल मिला है। जाके आपको बता दें कि व्यापारिक गतिविधियों को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की। इसके साथ ही निवेश समेत कई विषयों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से वार्तालाप की गई है। बड़ी तो अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य से ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल मिला है। आपको बता दें कि व्यापारिक गतिविधियों को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की। इसके साथ ही निवेश समेत कई विषयों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से वार्तालाप की गई। बड़ी और खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर यूपीपीसीएल ने 48 संगठनों से अनुरोध किया। आपको बता दें कि 48 संगठनों को हड़ताल समाप्त करने के लिए निर्देश दिए गए। वही हाईकोर्ट के निर्देश का हवाला देकर हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए गए। यूपीपीसीएल ने सभी 48 संगठनों को पत्र लिखा है। तो बड़ी और खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर 48 संगठनों को हड़ताल समाप्त करने के निर्देश दिए गए। वही यूपीपीसीएल ने 48 संगठनों से अनुरोध किया है। मथुरा में बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ढाबा संचालक लाखन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि मंडी चौराहा सलेमपुर के पास गोली कांड हुआ है। वही जमीनी विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। एक और खबर आ रही है लखनऊ में, जहां पर सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जीएम सूर्यपाल गंगवार जन सुनवाई कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं को कॉल कर जीएम ने फीडबैक लिया है। तो बड़ी और खबर लखनऊ जा रही है, जो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि जीएम सूर्यपाल गंगवार जन सुनवाई कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं को कॉल कर जीएम ने फीडबैक लिया है।